Superstar Singer Season 2, co-presented by Byju's Classes. Family, honestly. Wow, thank you. So wonderful to be here. We are celebrating Dev Anand, the magnificent Dev Anand today. वो मेरे mentor है चुके हैं. उनकी वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे करियर मिली. So I'm so glad कि हमारे बेस्ट बच्चे एवर उनके गाने गाएंगे. और जिस तरह ये जो कैप्टन्स बने हुए हैं उसी तरह देव साहब मेरे मेंटर रहे. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, रियली हैप्पी टू बी सेलिब्रेटिंग हिम एंड मोस्ट ऑफ ऑल टू बी सेलिब्रेटिंग विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Welcome to Superstar Singer 2, co-presented by Byju's Classes. लेकिन एक मिनट ये आप लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के आज एक साथ जावेद भाई ये क्या हो रहा है? क्या है यार इतना मेल मिलाप? आज भैया आज हम टीमों के बीच में आज कोई भी कंपटीशन नहीं कर रहा है. मैं दानिश की टीम के बच्चों के साथ में गाऊंगा, दानिश मेरी टीम के बच्चों के साथ में गाएंगे. और मतलब पूरा सेलिब्रेशन होगा आज, पूरा जश्न मनाया जाएगा. यस सर. अब शुरू करते हैं समर ऑफ 22 का टॉप रेटेड शो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2. बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, महाजन समायरा. और जिनके बारे में 5 लव्स मार्केट में चल रहे हैं, कमाल, धमाल, जमाल, बेमिसाल और बवाल. नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग. अरुणिता कांजी लाल.
एक बार जोरदार तालियां जीनत मैम के लिए हो जाएं। क्या बात है, आइकॉनिक सॉन्ग। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत गाया। अरुणीता, यू आर परफेक्ट, योर सिंगिंग इज परफेक्ट। एंड समायरा, आप शांत हो, आप क्यूट हो, लेकिन क्या सुरीला गाया है आपने। फैबुलस, थैंक यू मैम। समायरा, आपने एक एक जो भाव, एक एक जो वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, स्पेशली अंतरे में जो जगह तो ये बहुत मुश्किल है मेरी नज़र में। आज का समायरा का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था अब तक, मैं जितने भी सुनते आ रहा हूँ। क्या बात है, इतना दिल को मज़ा आ गया। और ये जो जोड़ी है अरुणीता और समायरा की, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है आज के परफॉर्मेंस की। क्या बात है, तो दुनिया हिला देते हैं। यस, जीनत मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप बाहर से इंडिया में आए हो, तो जब आपने पहली मूवी की थी अपनी हिंदी मूवी, वो भी देवानंद जी के साथ, तो आपको डर नहीं लगा कि एक तो हिंदी डायलॉग्स उसमें बोलने थे और देवानंद जी के साथ एक्टिंग करना था? बिल्कुल डर लगा, बिल्कुल मैं नर्वस थी, लेकिन देव साहब का बहुत एक अच्छा तरीका था। उन्होंने हमें डायलॉग्स बहुत पहले से दिए हुए थे ताकि हम उन्हें पढ़ें, समझें, अपनाएं। और काफ़ी दिन तक नेपाल में, काठमांडू में, हमें सेट्स पे बुलाते थे लेकिन हमसे काम नहीं लेते थे। वो हमें बिठाकर शूटिंग दिखाते थे और जब तक हमें मौका मिला काम करने का, हम लोग बेचैन हो गए थे कि हमें चांस कब मिलेगा, हमें मौका कब मिलेगा। तो तब तक वो हमारी नर्वसनेस है ना छूट गई थी। तो ये उनका बहुत सही तरीका था हमें कैमरा के सामने इंट्रोड्यूस करने का। क्या बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू समायरा, थैंक यू अरुणिता। बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी।
चले देख जरा ये विचित्र माया। हमारे हिमेश भाई हैं, जावेद जी हैं, जीनत जी हैं, ये तो भगवान की अप्रतिम प्रतिभाएं हैं ही, लेकिन जिन बच्चों का भी आपने सिलेक्शन किया है वो बेस्ट बच्चे एवर हैं और ये होंगे भारत का भविष्य, इनमें वो सामर्थ्य। स्वामी जी के लिए तालियां। थैंक यू सर। और अब आ रहा है वो बच्चा जिसने भुला दिया है एचआर को, उनका सारा काम काज, देश का सबसे शरारती बच्चा ऋतु राज। बहुत ज्यादा नोटी हो, लेकिन ये सारा नोटीनेस माफ है जिस तरह आप गाते हो। ऋतुराज तुम्हारे क्या सुर लग रहे थे यार, और इतने डिफिकल्ट गाने को तुमने ऐसे गाया जैसे तुम कोई बच्चा, छोटा बच्चा सिंगर नहीं हो, लेजेंड हो यार। खड़े होके तालियां बजाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। क्या बात ऋतुराज, तुमने ये जो चार डिफरेंट वेरिएशंस थे खोया खोया चांद में रफी साहब ने जो गाए थे वो ओरिजिनल तो गा लिए, लेकिन अगर तुम्हें एक चैलेंज दी जाए इंस्टेंटली विद इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स एक वेरिएशन खुद इन्वेंट और कंपोज करो और इसी वक्त खोया खोया चांद का वो वेरिएशन हमें अभी सुनाओ, तो डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज? रेडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 सोच लिया। ओके, 2 सेकंड में 5 भी नहीं दिए मैंने तुम्हें, कम ऑन दे दीजिए सुर। खोया खोया चांद, खोया 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 चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। क्या बात, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। वो एक छोटा सा बच्चा इंस्टेंटली कंपोज करता है, उसकी मुर्गियां लेता है, वो वेरिएशन सुनाता है, तो सोचिए कितना टैलेंटेड होगा हमारा सुपरस्टार बच्चा। दुनिया हिला दी ऋतुराज, ये
is entertainer number one, Chote Kishore, Rohan Das. कहाँ है कहाँ है? Rohan. हाँ sir, मैं आ रहा हूँ. अरे ये. ये तो बिल्कुल देव साहब की तरह बन के आए हो आज तुम. क्या बात है, हम दोनों के देव साहब. Am I right, Rohan? हाँ सर. Rohan? हाँ सर. देव साहब की तरह मुझसे बात करोगे? ओके सर. ओह वाह, कुछ तो कहो. हेलो सर, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? वाह क्या बात है. मैं तो ठीक हूँ रोहन, लेकिन तुम्हारे भी मिजाज कुछ कमाल नजर आ रहे हैं आज. लगता है बहुत अच्छा गाना गाने वाले हो. थैंक यू सर. देवानंद नाम है मेरा, ये बोल के दिखाओ. देवानंद नाम है मेरा. सरनेम क्या है? आनंद. तालियां. क्या बात है लड़के. I need to share something with all of you, huh? जी मैम. जो देव साहब जिस तरह आप सोचते हो कि वो बात करते हैं कैमरा के सामने, ऑफ द कैमरा ही नेवर टॉक लाइक दैट. उनकी आवाज, उनका जो तरीका था ना बोलने का, बिल्कुल ऐसे नहीं था. Okay, that was for camera only. Yeah, that was for his characters. As soon as the camera went on, his personality became different. Wow. It is a personality that we movie lovers. Yeah, we. जो उन्होंने अपनी cult style बनाई कि आज तक everyone still remembers him and loves him. Oh my God. Rohan, तैयार है? तो मैं जाऊँ? हाँ भैया. Okay, bye. बात है रोहन. आपको छोटे किशोरदा बोलते हैं, लेकिन आज आप बिल्कुल छोटे से देव साहब लग रहे हो. बात है. वही मस्ती, वही अंदाज, वही स्टाइल, सब कुछ. और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी जो म्यूजिकल लेगेसी है, उनके जो गाने हैं, हमारे जो गाने हैं, आपका जेनरेशन जो इतना नन्ना सा है वो आगे लेके जा रहा है. थैंक यू मैम. बेटा तुमने गाया बहुत
जोरदार, तुम बहुत ही एक एफर्टलेस और स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट हो। और अब जब तुमने देव साहब का जो एक कॉस्ट्यूम पहन लिया है, तो देव साहब की तरह चल के भी दिखाओगे? माइक लाइए तो म्यूजिक व्यूजिक बजाइए। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। वाह, क्या बात है, वाह रोहन। मुझे तो ऐसा लगता है कि देव साहब को जो इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है अपने वॉक और अपने डांस के जरिए, और कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। न होता बेचारा, न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो हो हो, ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। बहुत मुश्किल है, सो मेनी देवानंद्स ऑन द फ्लोर, बट आई एम गोइंग टू गिव इट टू रोहन। रोहन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। थैंक यू वेरी मच, दिस इज फन। सच में खास खास है। थैंक यू। चूड़ा आइसक्रीम, चूरन आइसक्रीम। इसके बाद हमारे स्वाद, ये इसलिए रखा है ताकि पेट में थोड़ी ठंडक पहुंचे, और जिनका पेट खराब रहता है वो ये खाए। मेरा तो है ही नहीं खराब। मैंने कभी करेला नहीं खाया बचपन में, बड़ा गड़बा लगता था। अरे रे रे रे, स्वामी जी मैं बता दूं, किसी ने ये हिम्मत नहीं की है सर आज तक। लेकिन लेकिन कड़वा है, लेकिन अच्छा होता है। आदित्य खा ले तो? जी सर। जोरदार है ना? मैंने सुना है तुम पेट भी हिलाते हो। एक्चुअली स्वामी जी मैं आपसे इंस्पायर हुआ हूँ। तो मेरे जैसा नृत्य करके दिखा। स्वामी जी अब मुझे इसको रियल योग सिखाना पड़ेगा। बच्चा बहुत प्यारा है। गाता रहे गाता रहे।
प्रत्युष, आपने गाइड का गाना गाया है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा. और आप जो खाना पकाते हो और गाना भी गाते हो, आपका स्टाइल बिल्कुल अलग है, हटके है. और देव साहब जो थे ना, वो भी प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, राइटर थे, और उनका स्टाइल बिल्कुल हटके अलग था. जो अलग है, जो हटके कुछ करता है, वो हिस्ट्री बनाता है. क्या बात. सो गुड लक टू यू यंग मैन, क्रिएट हिस्ट्री. इन बच्चों को सुनकर के ऐसे लग रहा है ये बच्चे नहीं गा रहे, ये धरती के भगवान गा रहे. ये साइशा ने इतना अच्छा गाया है. Genuinely, Saisha, you're the superstar of the show. And जो superstar होता है और जब वो great performance देता है तो हम लोग क्या करते हैं? Superstar, नमस्ते for Saisha. बुकुल फूल, बुकुल फूल, सोना
तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रभु प्रांजल जैसा छोटा सा बालक इतना उम्दा गा रहा था कि मुझे लगता था जैसे धरती पर गीत और संगीत का कोई नया अवतार आ गया। तुमने ये परफॉर्मेंस दिया तो मुझे रियली लगा कि हाँ यार, कोई बहुत ही डिवाइन सोल पुनर्जन्म लेकर हमारे इस शो में वापस आया है। और प्रांजल, मैं एक बार तुम्हारा जो वो परफॉर्मेंस है वो बार बार देखता हूँ, सुख के सब साथी। ये तो मैंने भी सुना हुआ है, बड़ा बहुत प्यारा है, बहुत, और वो वायरल हो गया एकदम, तो एक बार सुना दो। हो जाए प्रांजल। साधु के पास देने के लिए या तो चरित्र होता है या उसका वस्त्र होता है। तो चरित्र तो तुम्हें प्रभु कृपा से ही मिला हुआ है। आज मैं अपना वस्त्र और जो गुरु परंपरा से जिन पादुकाओं की पूजा की जाती है ये तुमको उपहार में देना चाहता हूं। अब वो पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, माता पिता का राजा बेटा मणि। मणि मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, जिया धड़क धड़क। क्या आप वो गा सकते हैं? जी मैम, जरूर। तुझे देख देख सोना
जब ये गाता है तो मुझे लग रहा है उसमें पूरा खो जाता है, उसको पूजा की तरह गाता है। और मुझे लगता है ये निर्दोषता ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती, इसके लिए किसी माँ की तपस्या भी होती है। तो क्या तुम्हारी माँ यहाँ पर आई हुई है? कहाँ पर है? जितना ये है उतनी ही मासूम इसकी माँ भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन ऐसी माँ को, प्रणाम है माँ। और मुझे ये बताया कि तुम सिलाई का काम करती हो, बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती हो और अपने परिवार का पेट पालती हो और अपने बच्चे को ऊंचाई पर देखना चाहती हो, ये माँ का सपना होता है। मैंने भी अपनी माँ को देखा है। जब इसको मैं सुन रहा था तो मेरे पास इतने अच्छे कपड़े तो नहीं थे जितने आज मनी के पास हैं। एक एक कपड़े में हमारे तीन तीन साल गुजर जाया करते थे। हमारी माँ हमें भूखा रह करके खिलाती थी, खुद सूखी रोटी खाती थी, हमें मक्खन और दही दिया करती थी। बासी रोटी खाने को मिलती थी, ताजी कहाँ बना पाते थे, क्योंकि खेत का पशु का काम करना होता था माँ को। मैंने एक दिन ऐसे अपनी माँ से पूछा, माँ जब मैं घर से निकला था तुझे ऐसा लगता था कि तेरे सारे सपने टूट गए, मेरा बेटा सन्यासी बन गया, अब कैसा लगता है? बोले बेटा आज तो मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे घर में किसी भगवान ने जन्म लिया। मुझे लगता है तेरी माँ भी तेरे बारे में ऐसी ही सोचती होगी जैसी मेरी माँ सोचती थी। तेरे लिए एक ही शब्द निकलता और उसका नाम है आशीर्वाद। धन्यवाद। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पहना दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसको आंचल
के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले बाबा शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर मिलाया जाए थोड़ा सा गुलाब हो गया यूं नशा जो तैयार हो गया यूं नशा जो तैयार वो प्यार है याद अगर वो आए अगर वो आए कैसे कटे तन्हाई सुन शहर में जैसे बजने लगे शहनाई आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो उतरे कभी ना तो कुमार वो प्यार है वाह पवनदीप आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ योर्स क्या गाते हो और क्या गाया है लाजवाब थैंक यू मैम थैंक यू और आर्यनंदा आप तो वन टेक आर्टिस्ट हैं लेकिन आपकी आवाज मिठाई से भी मीठी है यू sang सो ब्यूटिफुली थैंक यू देव साहब यहाँ होते तो उनको बहुत 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 अच्छा लगता थैंक यू सो मच फॉर दैट आई लव दिस थैंक यू तुम्हारे लिए दो लाइन में देव साहब की गाना चाहूँगा अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले ये दिल जरा संभल तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल
ये जो आपने गाया ना अभी ना जाओ छोड़कर, इट वॉज देव साहब्स फेवरेट सॉन्ग. अगर कोई गाना गुनगुनाते हुए उनको सुना है तो इट इज दिस सॉन्ग. क्या बात है. थैंक यू आर्य नंदा. और अब आ रहे हैं सलमान अली और उनकी गद्दी पर नजर रखने वाले सोएब अली, और इनके साथ आ रहे हैं दादू के पोते चैतन्य वैश. है अगर दुश्मन दुश्मन समाना कम नहीं गम नहीं, है अगर दुश्मन दुश्मन जलन को इस मोहब्बत के जलन को, जो भी हो जाए कि अब तो सर्फ बांधा है कफन को, हम तो दीवाने दिल जले जुल्म के साए में पले, डाल कर आंखों को तेरे रुखसारों पे, रोज ही चलते हैं हम तो अंगारों पे, आज हम जैसे जगत वाले कहा करके उठेंगे, या तुझको ही ले जाएंगे या मर के उठेंगे. आज हम जैसे जिगर वाले कहा जख्म खाया है तब हुए जवां. आज तो दुनिया वाह 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 वाह, आज तो दुनिया दुनिया नहीं आ, हम नहीं हम नहीं, आज तो दुनिया मुंबई और इंडिया पर अब तक के सबसे कुकृत्य अटैक के दौरान जिन जाबाज जवानों ने पड़ोसी देश के जघन्य आतंकवादियों को खत्म किया था, उनमें एक प्रमुख नाम था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का. उनके शौर्य की गाथाएं जो हमने सिर्फ सुनी थी, उस पर एक बड़ी मोशन पिक्चर बनी है मेजर. गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आ रहे हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकार अडवी शेष और साई मंजरेकर. कोई सोल्जर क्यों बनता है? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता. क्या बात है?
चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, ऋष्वजा जाधव। विश्वजा आपने बहुत बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच मैम। पापा की परी हो ना, जिस तरह आप गा रहे हो और आपकी टैलेंट है, आप पापा का नाम बहुत रोशन कर रही हो और करती रहोगी। थैंक यू सो मच। आई लव्ड इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ये जो गाना है, दिस इज माय डैड्स ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। I've heard this song at least 1 million times in my childhood. तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये गाना गाया and वो भी बहुत ही beautiful तरीके में गाया है. So thank you very much for taking me back to my childhood. Thank you so much, sir. आपने कितनी अच्छी तरह से ये गाना गाया। ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी जो सिस्टर है गौरी, उनको मैंने पहली बार इसी गाने पे डांस करते हुए देखा था एंड मैंने पहली बार वो गाना तब सुना था और आज मुझे उतना ही मज़ा आया जब मुझे जितना मुझे तब आया। थैंक यू मैम। स्वामी जी, आज आप यहाँ पे आए हैं तो हम चाहते हैं कि आप हम सबको कुछ योग सिखाएं। जरूर, क्यों नहीं। प्रत्युष को एक बार जरूर सिखाइएगा। इसकी नोली हो तू सीखे नहीं, इसका तो नोला हो रखा है। स्वामी जी, ये मैं सच्ची मैं भी सीखना चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं भी आ रहा हूँ। ये तो ऐसा आ रहा है जैसे मेरे साथ कुश्ती करने आ रहा हूँ। अंतर्यामी मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की तुम्हें।
कम से कम 5 तो प्राणायाम कर ले। देखो ये भस्त्रिका प्राणायाम, सेकंड तुम लोग भी कर लो, तुम कौन सी बारात में आए हो। सबसे पहले भस्त्रिका बैठे बैठे करो। ऊपर वालो, तुम भी ऊपर वालो कर लो, नहीं तो ऊपर वाला बुला लेगा कि तुम धरती पर रहने लायक नहीं हो। प्रत्युष की अम्मा कौन सी है। चलो अब अनुलोम विलोम, ये अप्रतिम है। शरीर में 72,10,201 नाड़ियां अष्ट चक्र हैं, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करनी है। आजकल लोगों का गला भी बहुत खराब हो रहा है और सिंगर्स का गला तो एकदम सुपर डुपर होना चाहिए, तभी तो सुपर स्टार सिंगर बन पाओगे है? तो क्या करना, ये करना, देखो ऐसे 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 चीज निकाल के, ये तो शेरों ने भी अच्छा किया और शेरों से ज्यादा शेरनियों ने अच्छा किया है। जोरदार तालियां। चलो सिर ऐसे लगाओ और ऐसे हो जाओ। जून इंटरनेशनल योग डे है और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है उसके साथ पूरी दुनिया योग के साथ समाहित होती जाती है। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब 21 जून से प्रारंभ करके अगले 21 जून तक हर दिन योग करेंगे और योग से अपने जीवन में आरोग्यम धन संपदा सब प्रकार का स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति पाएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.